da pe genunchi. हेलो, आवाज मिल रही है? अर्पण, हेलो अर्पण, आवाज मिल रही है? कमेंट करो। मड़े जी नमस्कार, आवाज मिल रही है क्या मड़े जी? हेलो मणि जी, अर्पण, आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है? विजय कुमार, विजय, आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है क्या? कोई बताओ। रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। असली चीज़ यही होता है कि जब तक आवाज़ का पता ना चले तो आप लोगों की तरफ से ये लग रहा है कि आवाज़ मिल रही है। मित्रों, आप सबका स्वागत है। ये आज जल्द सुलभ पुस्तक से कहानी पाठ का हिस्सा, और थोड़ा इंतजार मित्रों के आसपास किया। नमस्कार, बिल्कुल शुक्र रहा हूँ मैं बस। अरे कम से कम दहाई में पूरे हो जाए लोग, दहाई में तो पूरे हो जाए, बहुत सारे लोग का छूट जाएगा। छूट जाएगा तो देखा कि वो मजा नहीं आएगा, तो बस और इंतजार, 2 मिनट और इंतजार कर लेते। फिर तो गाड़ी चले स्टेशन से छूट जाएगी, इंतजार कर लेता हूँ 1 मिनट। रीता जी नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मणि जी नमस्कार, कुमार कहाँ है? हाँ तो कहाँ शुरू कर दें? हेलो, कहानी शुरू कर दो। मैं कहानी शुरू कर रहा हूं। आज जो कहानी मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये जन सुलभ पुस्तकालय की इस मंच से। प्रभात मिलिंद जी नमस्कार, राकेश भाई नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हुआ आवाज को कुमार? आवाज नहीं मिल रही? पिक्चर भी नहीं आ रही? ठीक, क्या हुआ? मैं किधर? हेलो, आवाज नहीं मिल रही है? हेलो हेलो, हाँ
आवाज मिली? सुमन जी नमस्कार, अच्छा अच्छा ये कुछ हो रहा है, नेटवर्क की समस्या हो रही है, मैं देखता हूँ, मैं कुछ दूसरा इंतजाम करता हूँ, मैं दूसरा इंतजाम तुरंत हो जाएगा, नेटवर्क की समस्या को भी मैं दूर करता हूँ। आवाज ठीक नहीं आ रही है, आवाज ठीक नहीं आ रही है। अब आवाज ठीक हुई क्या? आवाज ठीक हुई? हेलो, आवाज किस समझ? नेट का प्रॉब्लम है क्या? नेट प्रॉब्लम हो रही है? बस तुरंत अब आवाज मिल रही है? अब मैं शुरू कर रहा हूं, शायद आवाज का कोई संकट आ रहा है बीच में, लेकिन मैं समझता हूं बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वीडियो का भी संकट आ रहा है, अब ये तो मेरी समझ में नहीं है, क्योंकि मेरी तो पिक्चर मुझे ठीक दिख रही है, अब आप लोगों तक कैसे नहीं पहुंच पा रही है। आवाज भी अब ठीक है, मुकेश बता रहे हैं, मुकेश सिन्हा जी नमस्कार। कोई एंगल बदल भी सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं क्या करूं, ये मेरे साथ बड़ी दिक्कत हो रही है कि मैं तो ऐसे तो हमेशा नेटवर्क नेट ठीक रहता है इंटरनेट का, यहाँ अब ठीक है। चलिए, मुझे सफदर इमाम कादरी ने बता दिया कि ठीक है, अब मुकेश जी ने भी कहा ठीक है, अब आवाज थोड़ी बेहतर आ रही है, जल्दी ठीक हो जाएगी मेरी समस्या। मैं जब पढ़ूंगा तो मोबाइल गर्माना शुरू हो जाएगा, तो मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ, शायद वो ठीक हो जाए। अब ठीक है, प्रभाकर भी बोल रहे हैं, राज बोल रहे हैं कि ठीक है, निर्देश जी का निर्देश है कि आवाज ठीक है, मैं शुरू कर सकता हूँ। डॉक्टर भावना नमस्कार, स्वागत आपका। सीमा जी नमस्कार। आवाज तो अब पता नहीं कब ठीक होगी, लेकिन अर्पण आवाज कुछ पहुंच रही है, ठीक ठाक है, मैं थोड़ा और करीब आ जाता हूँ माइक के। कविता जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद आप आई, आप तमाम व्यस्तता के बावजूद आपने समय निकाला, बहुत अच्छा लगा। प्रभा जी शुरू कर रहा हूं मैं, मेरी कहानी आज जो मैं पढ़ने जा रहा हूं उसका शीर्षक है अली मंजिल। अली मंजिल ये कहानी मतलब सुनने के ही काबिल है, सुने आप, इस पे काफी कुछ काम हो चुका है, हिंदुस्तान की तो तमाम पत्रिकाओं में छपी है और विभिन्न भाषाओं में भी छपी है, लेकिन सबसे अच्छी बात है ये कहानी पाकिस्तान में भी छप चुकी है, और इसका आशा प्रभात जी मेरी मित्र हैं, उन्होंने उर्दू में अनुवाद किया था और पाकिस्तान में ये कहानी छपी थी, वहां भी बहुत मकबूल हुई। तो बहरहाल ये कहानी आप लोगों के लिए मैं सुना रहा हूं आज, अली मंजिल। अली मंजिल के आखिरी वारिस जनाब मंजूर अली की उम्र 70 पार पहुंच चुकी थी, सिर दाढ़ी के बाल सन जैसे सफेद हो चुके थे, आंखों पर पावर के चश्मे के बावजूद रोशनी धुंधली पड़ चुकी थी, दूर की चीजों को पहचानना निहायत मुश्किल काम था उनके लिए, अलबत्ता नजदीक की चीजें वह फौरन पहचान लेते थे, हाथ भी कांपने लगे थे, चलते तो छड़ी तक थरथराती, ज्यादातर बाहरी बरामदे में बैठे बैठे लोगों को आते जाते देखते रहते, लोग राम सलाम करते, वह आवाज पहचान कर राम सलाम करने वाले का नाम हाल चाल पूछते, दुआएं देते और तस्बीह के दाने फेरते हुए अल्लाह की रहमत लेने की नसीहत देते, लोग उनके अकेलेपन पर मन ही मन अफसोस करते हुए खैरियत पूछते, कैसे हैं बड़े मियां।
जनाब मंजूर अली आंखें मिचमिचाते सामने वाले को भरपूर निगाहों से देखने की कोशिश करते, फिर दोनों हाथ हवा में उठाकर कहते, हमारी क्या पूछते हो मियां, हम तो पके हुए आम हैं, किसी दिन भी खुदा का बुलावा आ सकता है। बात पूरी होते न होते जनाब मंजूर अली की सांसें फूलने लगती हैं। सीने में जमा कफ घर घर बज उठता, रमजान मियां दौड़कर आते और उनकी पीठ मलने लगते। धीरे धीरे सांसें सामान्य होती और वह गीली हो आई आंखों को पोंछते हुए रमजान मियां को टोकते, मियां अभी तक चाय नहीं मिली। रमजान मियां सर झुकाए चुपचाप अंदर जाते और लौटते तो चाय से भरा गिलास उनके हाथ में होता। जनाब मंजूर अली रमजान मियां की खामोशी का मतलब समझ जाते, चाय की एक आध घूंट सुड़कने के बाद रमजान मियां को झिड़की देते, मियां अब बहन बहनोई से इतने प्यार से बुलाया है, मियां अब बहन बहनोई नहीं आया है तो ना कैसे कहूं, उसका भरा पूरा कुनबा है, सभी चाहते हैं मुझे, फिर रजिया मुझसे छोटी है, मुझे बाप की तरह मानती है। एकाएक जनाब मंजूर अली छोटी बहन रजिया की याद में गोते लगाने लग जाते हैं। उनकी आंखों के सामने गुड़िया सी प्यारी रजिया की शक्ल उभर आती है। अब्बा की मौत के बाद उन्होंने रजिया को बाप सा प्यार दिया, उसकी शादी के लिए एक से एक लड़के देखे, कोई पसंद नहीं आया। अम्मा झुंझलाते हुए कहती, मंजूर लड़का नहीं शहजादा ढूंढ रहा है, शहजादा, सचमुच शहजादा ही ढूंढा था उन्होंने। गोरे चिट्टे लंबे तगड़े खुर्शीद मियां कराची के नवाब अमजद अली के लखते जिगर थे। रिश्ता तय पाया गया था और जनाब मंजूर अली ने इस धूमधाम से बहन की शादी की थी कि लोग वर्षों तक याद करते रहे थे। यादों के रेले में डूबते उतराते जैसे मंजूर अली को कुछ याद आया। रमजान मियां आज कितनी तारीख है? 13। रमजान मियां ने जैसे एक एक दिन जोड़ रखा हो। मतलब यह कि अगले जुम्मे तक खुर्शीद मियां तशरीफ ले आवेंगे? जनाब मंजूर अली अनुमान लगाकर हुलस पड़े। हाँ, मरी हुई आवाज में रमजान मियां ने हामी भरी। और जिस दिन खुर्शीद मियां पाकिस्तान से यहाँ आए, रमजान मियां ने उनकी खातिर तवज्जो में जी जान लगा दी। जनाब मंजूर अली भी बहनोई के आने से बेहद खुश थे, लेकिन यह खुशी तब 30 में बदल गई जब खुर्शीद मियां ने उन्हें समझाते हुए कहा, भाई जान आपकी उम्र काफी हो गई है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती, ऐसे में आपका यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं, वहां उतनी दूर से यहाँ हिंदुस्तान बार बार आना मुमकिन नहीं है, बेहतर यही होगा कि यह मकान जायदाद बेचकर आप मुस्तकिल तौर पर वहीं हमारे पास रहें, रजिया की मंशा भी यही है। भीतर तक खिल गए जनाब मंजूर अली, काफी देर तक सन्नाटे में डूबे रहे। बाद में एक दो हम उम्र दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि अपने पीछे जायदाद छोड़कर कहीं जाने का जमाना नहीं है, जाना हो तो बेचकर ही जाइए, हाथ में पैसे रहेंगे तो बहन बहनोई पर बोझ नहीं रहिएगा। बात जची, भीगे मन से उन्होंने अपने दोस्तों से ही कोई खरीदार तलाशने की ताकीद कर दी। खरीदार तलाशने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। जनाब मंजूर अली के मरहूम दोस्त राम प्रसाद के बेटे दयाल बाबू खबर पाते ही आधमके। दयाल बाबू जनाब मंजूर अली की बाप की तरह ही इज्जत करते थे। एक नेक बंदे को मकान बेचने की जनाब मंजूर अली की मंशा पूरी हुई। बगैर हील हुज्जत के सौदा पक्का हो गया। उन्होंने सारे कागजात पर दस्तखत करते हुए दयाल बाबू से गुजारिश की, मियां दो चार दिन और रहूंगा इस मकान में। दयाल बाबू ने भाव विह्वल हो उनकी बात काट दी, चचा ऐसा क्यों बोलते हैं, जब तक इच्छा हो रही है मुझे कोई जल्दी नहीं है। रुखसती के दिन जिस वक्त जनाब मंजूर अली ने दयाल बाबू को अली मंजिल की चाबी सौंपी, उनका कांपता हुआ हाथ बुरी तरह थरथरा रहा था, आंखें पनीली हो आई थी। दयाल बाबू ने अपनी दोनों हथेलियों में जनाब मंजूर अली के झुर्रीदार हाथ को लेकर खींचा और उनका हाथ अपनी पीठ पर रखकर आशीर्वाद लिया। फिर उन्हें सड़क तक विदा करने आए। खुर्शीद मियां के साथ उन्हें जाते हुए बड़ी देर तक देखते रहे। मकान की चाबी उनकी हथेली में भिजी रह गई, गोया जनाब मंजूर अली का वह कांपता वजूद हथेली में शेष रह गया हो। अगले दिन सुबह सुबह ही दयाल बाबू पत्नी बच्चों को मकान दिखाने के लिए ले आए। मुख्य सड़क से बाई और घूमी गली में घुसते ही दयाल बाबू उत्तेजना से भर गए। वर्षों की साध पूरी हुई, इतने बड़े शहर की घनी बस्ती में अपना मकान होने की खुशी छलकी पड़ रही थी, सब भाग्य की बात है। दयाल बाबू ने पत्नी को समझाया, मकान गली में जरूर है
लेकिन सस्ता कितना पड़ा है। पत्नी ने आशंका जताई, सुना है बहुत कंजेस्टेड इलाका है। ठठाकर हंस पड़े दयाल बाबू। उनकी हंसी में एक पूरा मकान शामिल था। उन्होंने पत्नी को मीठी सी झिड़की दी, भाई पुराना मोहल्ला है, कंजेस्टेड तो होगा ही। बड़े बेटे शिवेश ने नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन पापा बड़ी गंदगी रहती है इस इलाके में। छोटे बेटे ब्रजेश ने तो जैसे खाका ही खींच दिया, मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी बजबजाती नालियां, किनारों पर बिखरा पखाना टाट के पर्दे। लेकिन तुम्हारी उस कॉलोनी से बेहतर, वहां किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। मोहल्लों में लोगों में मोहब्बत होती है, अनुभव जन्य दलील दी दयाल बाबू ने। लेकिन गली का नजारा देखते ही दोनों बेटों की आंखें मिली और वे मुस्कुरा पड़े। बेटी रानी ने भाइयों की मुस्कुराहट को लक्ष्य करते हुए कहा, पापा लोग ठीक ही कहते हैं, इधर तो सच में बड़ी गंदगी है। रानी के स्वर में कॉलोनी के छूटने की पीड़ा थी। दयाल बाबू ने जैसे कुछ सुना ही न हो, वह तो मुदित मन सभी चाल गली के आखिरी सिरे पर खड़े अली मंजिल पर ही आंखें टिकाए हुए थे। मकान के बाहरी बरामदे पर रमजान मियां उकड़ू बैठे मिले। दयाल बाबू पर नजर पड़ते ही उन्होंने अदब से आदाब अर्ज किया। उनकी आवाज इस कदर थकी हुई थी मानो मीलों लंबा सफर तय करके वहीं बैठे सुस्ता रहे हों। बड़ी मुश्किल से पूछ पाए, बच्चों को मकान दिखाने लाए हैं हुजूर? हाँ बड़े मियाँ। दयाल बाबू ने अपने पीछे आ रहे पत्नी बच्चों की ओर इशारा किया। सब कुछ इतना आनंद फानंद हो गया कि इन लोगों को मकान दिखाने का मौका नहीं मिला। अधेड़ उम्र रमजान मियाँ इस वक्त कुछ ज्यादा ही बूढ़े लग रहे थे। खिचड़ी दाढ़ी और उनके शरीर में कोई तालमेल नहीं था। दयाल बाबू के परिवार पर नजर पड़ते ही उनकी आंखों में चमक सी आ गई, थकान जैसे काफूर हो गई। आइए हुजूर आइए, अब ये मकान तो आप ही का है, अरसे से वीरान पड़ा यह मकान अब गुलजार हो जाएगा। दयाल बाबू ने जेब से चाबी निकाल ली थी। उन्होंने गौर किया कि बच्चे मकान के बड़े से दरवाजे पर खड़े होकर मकान को देखने के बजाय सामने गली के दूसरे मकानों को तजवीज रहे हैं। रमजान मियां ने उन्हें टोका, लाइए हुजूर चाबी दीजिए, मैं ताला खोल देता हूँ। एक अजीब पुलक से भर गए रमजान मियां। लगभग जबरन उन्होंने दयाल बाबू के हाथ से चाबी ले ली और मुख्य दरवाजे का ताला खोलते हुए दोनों पल्लों को इस तरह अंदर की ओर ठकेला जैसे उनके बगैर वह दरवाजा खुलता ही नहीं। मकान के अंदर दाखिल होते ही दयाल बाबू के बच्चों की आंखें हैरत से फैल गईं। इतना बड़ा मकान! रमजान मियां गर्व से फूल गए। गोया मकान नहीं उनकी तारीफ की गई हो। वह जज्बाती लहजे में लगभग फूट से पड़े, हुजूर मंजूर अली साहब के अब्बा जान ने यह मकान बड़े शौक से बनवाया था। मर्दान खाना, जनान खाना, बावर्ची खाना, आंगन, सहन, गुसल खाना सब इतने करीन से बनवाया था कि आज भी अच्छे अच्छे मकान इसके मुकाबले में नहीं ठहरते। रमजान मियाँ की बात बिल्कुल सही थी। बड़े बड़े कमरे, बड़ा सा सहन, खुला खुला आंगन, एक बार की सबका मन खिल उठा। बच्चों ने तो उसी वक्त आंगन में धमा चौकी शुरू कर दी। दयाल बाबू ने पत्नी की ओर देखा, वहां चेहरे पर संतोष का भाव पाकर वह विजयी मुस्कान के साथ बोले, अपना घर अपना ही होता है। पत्नी की बजाय रमजान मियां ने तस्दीक की, बजा फरमाया, हुजूर अब जितनी जल्दी हो यहाँ आकर रहना शुरू कर दीजिए, यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर मैं तो हूं ही यहाँ। यह प्रत्याशित अधिकार बोध था। दयाल बाबू चौंके, फिर यह सोचकर कि यहाँ के वे पुराने वाकिफकार हैं इसीलिए ऐसा कहा होगा, वह चुप ही रहे। उन्होंने रमजान मियाँ को कुछ और बोलने का मौका दिए बगैर एक एक कमरे का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। खिड़कियां, दरवाजे, साफ सुथरी दीवारें, चमकता फर्श, मजबूत दरवाजे, मन प्रसन्न हो गया। दयाल बाबू की प्रसन्नता को भांप लिया रमजान मियाँ ने, गदगद भाव से बोले, हुजूर बड़े मियाँ को इस मकान से बेहद मोहब्बत थी, हर साल साफ सफाई कराते थे, मैं खुद हर रोज झाड़ पोंछ करता था। दयाल बाबू ने रमजान मियाँ को इस कदर स्नेहिल भाव से निहारा कि रमजान मियाँ दोहरे हो गए। पत्नी की तरफ देखा, वह मंत्रमुग्ध दिखी, शायद मन ही मन घर को सजाने संवारने की कल्पना करने लगी थी। उन्होंने पत्नी से बड़े प्यार से पूछा, कहिए कैसा लगा? अच्छा है, पत्नी ने बेसाख्ता जवाब दिया, मानो कल्पना लोक से जबरन खींच लाई गई हो। तो संडे तक शिफ्ट कर लेते हैं,
पत्नी की सहमति पाकर दयाल बाबू तरंग में बोल गए, ज्यादा देर करने से कोई फायदा तो है नहीं। बच्चे खेल में मशगूल थे। दयाल बाबू को लगा बच्चों को भी मकान पसंद आया है। वह अपनी अकलमंदी पर मन ही मन स्वयं को दाद देने लगे। मकान में शिफ्ट करते हुए पूरा दिन निकल गया। शाम होते होते सभी लोग बुरी तरह थक गए। सुबह जब सामान सहित दयाल बाबू पहुंचे तो रमजान मिल गए, जैसे बाहरी बरामदे में बैठे उन लोगों के आने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। ट्रक गली के मोड़ पर खड़ा था, वहां से सामान ठेलों पर ही आ सकता था। रमजान मियां ने दौड़कर दो तीन ठेले वालों को बुला लिया। आसपास के कई लोग इकट्ठे हो गए थे। धोती कुर्ता पहने, माथे पर रोली का बड़ा सा टीका लगाए घनश्याम मिश्रा जी ने आगे बढ़कर पहल की। तो आप ही ने खरीदा है अली मंजिल को? दयाल बाबू ने घनश्याम मिश्रा जी के प्रति आदर जताते हुए कहा, जी मेरा नाम घनश्याम मिश्रा है, आपका पड़ोसी हूँ। घनश्याम मिश्रा ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम दयाल कृष्ण है, मैं यहाँ सेक्रेटरिएट में सेक्शन अफसर हूँ। दयाल बाबू ने जानकारी दी। फिर तो लगे हाथ घनश्याम मिश्रा ने आसपास खड़े कई लोगों का दयाल बाबू से परिचय करा डाला। ये अंसारी साहब हैं, ये श्रीवास्तव जी, ये सिंह साहब और वो खान साहब। दयाल बाबू ने सबको हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मुस्कुराहटों के आदान प्रदान के साथ ही देखते देखते चमत्कार हो गया। वहां मौजूद कई लड़के बच्चे सामान उतारने ढूंढने पहुंचाने में जुट गए। दयाल बाबू नहीं नहीं कहते रह गए, लेकिन किसी ने एक न सुनी। उल्टे खान साहब बोल पड़े, दयाल बाबू सभी घर के बच्चे हैं, हाथ बटा देंगे तो काम जल्दी निपट जाएगा। वाकई काम तो जल्दी ही निपट गया, लेकिन कमरों में सामान जमाते जमाते शाम हो गई। चाय पीने की तलब हो आई थी। दयाल बाबू थी लेकिन कमरों में सामान जमाते जमाते शाम हो गई। चाय पीने की तलब हुआई थी। दयाल बाबू दूध लाने के लिए निकले ही थे कि रमजान मियां ने टोक दिया, लाइए हुजूर दूध, मैं ले आता हूँ, यहीं पास में ही एक ग्वाला रहता है। चलिए फिर मैं भी चलता हूँ, कल से उससे दूध लेने की बात तय कर लूंगा। दयाल बाबू शुद्ध ताजा दूध मिलने जाने की कल्पना से उमगे। ग्वाला ज्यादा दूर नहीं था। रमजान मियां को देखकर उसने सलाम किया। रमजान मियां सलाम का जवाब देते हुए बोले, साधु भाई ये दयाल बाबू हैं, नए नए आए हैं मोहल्ले में, इन्हें कल से दूध चाहिए। कहाँ? वहीं अली मंजिल में। अपने ही प्रश्न का उत्तर देते साधु ने दयाल बाबू को गहरी उत्सुकता से देखा। हाँ हाँ वहीं। रमजान मियां की बजाय हड़बड़ाकर बोल पड़े दयाल। बनी रही तेज तेज डग भरते हुए वह जैसे ही अपने मकान के सामने पहुंचे, अनायासी आंखें छज्जे पर जा टिकी। वहां उर्दू के बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, मानो दीवार को खोद खोद कर उन अक्षरों को भरा गया हो। वह उर्दू पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अंदाजा लगाया कि जरूर वहां अली मंजिल लिखा होगा। रमजान मियां अब तक करीब आ गए थे। यह सोचकर कि रमजान मियां उनकी मनस्थिति भांप न लें, दयाल बाबू तेजी से बरामदा पार कर अंदर घुस गए। उस शाम अपने मकान में पत्नी बच्चों के साथ इकट्ठे बैठकर चाय पीते हुए दयाल बाबू ने महसूस किया कि चाय का स्वाद कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, शायद दूध का असर हो। दूध का ख्याल आते ही साधु का चेहरा आंखों में उभर आया। कहाँ? वही अली मंजिल में। एकदम गड़बड़ा गए दयाल बाबू। दिमाग में उर्दू के बड़े बड़े अक्षर उभर आए। उन्हें लगा ये अक्षर उनके माथे पर नक्श हो गए हैं। उन्होंने कसकर सिर को झटका दिया, मानो उन अक्षरों को झटक रहे हैं। अनायास ही दाहिना हाथ ललाट पर चला गया। वहां कुछ रेंगता सा महसूस हुआ। उन्होंने हथेली से माथे को रगड़ा, फिर अपनी ही बेवकूफी पर मुस्कुरा पड़े। ठीक कहती हो, इसी बहाने एक गेट टूगेदर, बेवकूफी पर मुस्कुरा पड़े। पत्नी बच्चों का ध्यान दयाल बाबू की इस हरकत पर नहीं गया। वह चाय सुड़क सुड़क कर पीने लगे। सुड़कने की आवाज कमरे में भर गई। पत्नी ने उन्हें घूर कर देखा और फिर ठीक कहती हो, इसी बहाने एक गेट टूगेदर हो जाएगा, वहां से कॉलोनी के लोगों को भी बुला लेंगे। नई जगह नए मकान से अपनी पहचान जोड़ने का यह अच्छा तरीका जानकर दयाल बाबू ने सहमति दे दी। कथा सुबह में ही रखी गई थी, नए पड़ोसियों को भी बुलाया गया था। घर में अच्छी खासी चहल पहल हो गई थी। रमजान मियां भी ऊपर छापर के काम में हाथ बटा रहे थे, खासकर पड़ोसियों का स्वागत करने और उन्हें उचित जगह बैठाने की जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाल ली।
दयाल बाबू अपनी पुरानी कॉलोनी से अपने आने वालों का इंतजार कर रहे थे। सिन्हा साहब पर नजर पड़ते ही उनका चेहरा खिल गया। दोनों हाथ जोड़कर दूर से ही सिन्हा दंपति का स्वागत करते हुए दयाल बाबू उनकी ओर लपके फिर करीब पहुंचकर जिज्ञासा की, पहुंचने में कोई खास नहीं। सिन्हा साहब ने उनके जुड़े हाथ थाम लिए। बस नुक्कड़ पर जरा पूछना पड़ा। लोगों ने बताया कि एक नए साहब अली मंजिल में आए हैं। मैंने सोचा वहीं पहुंचकर देखते हैं, यह अली मंजिल ही है ना। हाँ हाँ, अचकचा गए दयाल बाबू। बड़ी कठिनाई से थूक निगलते हुए पूछा, और पांडे जी, जायसवाल साहब वगैरह नहीं आए? सभी आ रहे हैं भाई, आ ही रहे होंगे। सिन्हा साहब ने दयाल बाबू को आश्वस्त किया, हम थोड़ा पहले ही निकल आए। श्रीमती जी बोली, देरी होने पर भाभी जी नाराज होंगी। हो कर हंस पड़े दयाल बाबू, लेकिन उन्हें अपनी ही हंसी अजनबी सी लगी। उनके मन के किसी कोने में अली मंजिल फांस की तरह अटक गई थी। इस ख्याल से छुटकारा पाने के लिए वह सिन्हा साहब को घर दिखाने के उद्देश्य से अंदर दाखिल हो गए। बेडरूम में पहुंचकर सिन्हा साहब ठिटक से गए। उन्हें ठिटका देख दयाल बाबू ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? बड़ी खूबसूरत नक्काशी है। सिन्हा साहब दीवार में बनी लकड़ी की अलमारी की ओर इशारा करके चहके। दयाल बाबू ने पहली बार गौर किया कि अलमारी के दोनों बाजू गोलाकार में उठकर गुंबद की शक्ल बना रहे हैं। अलमारी के बंद पल्लों और बाजुओं को एक साथ देखने पर किसी मस्जिद की गुंबद का चित्र उभरता था। दयाल बाबू को आश्चर्य हुआ कि उनका ध्यान इस नक्काशी पर पहले क्यों नहीं गया। वह अपने आप में झेप से गए। सिन्हा साहब की निगाहें बारीक हैं। वह कॉलोनी में भी अनुभवी आदमी माने जाते थे। पूरे घर का चक्कर लगाने के बाद सिन्हा साहब ने दयाल बाबू को दाद दी, अच्छा है दयाल बाबू, आपने बाजी मार ली। सिन्हा साहब के स्वर में अफसोस का पुट भी था, गोया यह बाजी वह स्वयं हार गए हो। दयाल बाबू ने विनम्रता से जवाब दिया, सब आप लोगों का आशीर्वाद है सिन्हा साहब। कथा पूजन की गहमा गहमी के बावजूद दयाल बाबू का मन उचट गया था। आंखों के सामने कभी आलमारी पर बना मस्जिद नुमा चित्र उभर आता, तो कभी मकान के बाहर लिखा अली मंजिल। इस मकान से परायपन की बू आने लगी थी। यक बैग पूरा मकान उन्हें अजनबी लगने लगा। मानो जनाब मंजूर अली की शख्सियत हर जगह चस्पा है और वह जबरन इस मकान के मालिक बन बैठे हों। मेहमानों की विदा हो जाने के बाद घर एकदम सन्नाटे में डूब गया था। दोनों लड़के अपने नए दोस्तों के साथ घूमने निकल पड़े थे। बेटी रानी पड़ोस के मिश्रा जी के यहाँ गई हुई थी। पत्नी निढाल बिस्तर पर जा पड़ी थी। ऐसे में दयाल बाबू के मन की बेचैनी बढ़ गई। वह चुपचाप ड्राइंग रूम में बैठे बैठे अपने आप से उलझते रहे। इसी दौरान उन्होंने तय कर लिया कि सबसे पहले इस मकान का नाम बदलना होगा। अब यह अली मंजिल नहीं, दयाल भवन है, और अलमारी के पल्ले भी बदलने होंगे। मस्जिद का चित्र तो कतई नहीं चलेगा। सहसा उन्हें ख्याल आया कि अंदर के बरामदे में बना चबूतरा भी तोड़वाना होगा। रमजान मियां ने बताया था, वह चबूतरा नहीं, जा नमाज है सर, जा नमाज, उसी पर बड़ी भी नमाज अदा करती थी। मन कैसा कैसा तो हो आया। लगा दयाल बाबू का इस मकान में अपना कुछ नहीं है। इसी व्यग्रता में उन्होंने पहलू बदला। उनकी आंखें कमरे में बने मेहराब पर जा टिकी। एक झटका से लगा। शुरू में मेहराब देखने में बेहद खूबसूरत लगा था, लेकिन इस वक्त उसकी खूबसूरती पता नहीं कहां गुम हो गई थी। वह मेहराब बुरी तरह खटकने लगा। उन्होंने पाया कि मेहराब ड्राइंग रूम की खूबसूरती बिगाड़ रहा है। वहां बैठे रहना उन्हें मुश्किल लगने लगा। वह तेजी से उठे और बाहरी बरामदे में चले आए। बरामदे की दीवार से पीठ टिकाकर ऊंघ रहे जब रमजान मियां पर नजर पड़ते ही दयाल बाबू ठिठक गए। आगे नाथ न पीछे पगहा। जब से वह आए हैं, रमजान मियां खुदाई खिदमतगार की तरह हर वक्त मौजूद मिले हैं। इस मकान से साये की तरह चिपके हुए। पत्नी ने भी कहा क्या? तब दयाल बाबू ने सहज ही समझा दिया था, क्या हर्ज है, काम के आदमी हैं। अनजाने ही रमजान मियां घर का हिस्सा हो गए थे। दयाल बाबू की मौजूदगी का भान होते ही रमजान मियां हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। दयाल बाबू भी रमजान मियां से आंखें मिलते ही सकपकाए, मानो मन का चोर पकड़ा गया हो। पर्देदारी की कोशिश में तपाक से कह बैठे, रमजान मियां, कोई राजमिस्त्री हो तो कल बुलाइएगा। क्या हुजूर, कुछ जुड़वाना तुड़वाना है क्या? आंखें ही नहीं, रमजान मियां की आवाज में भी हैरानी थी। रमजान मियां का लहजा दयाल बाबू को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने थोड़ी सख्ती से कहा, अपने मुताबिक मकान में रद्दू बदल तो करना जरूरी है ना बड़े भैया, कोई अच्छा कारीगर हो तो कल ले आइए। आदेश देकर एक पल के लिए भी वहां नहीं रुके दयाल बाबू। उन्हें रमजान मियां की टोका टोकी नागवार गुजरी थी। उन्हें लगा यह आदमी खाम जबरदस्ती काबिज होता जा रहा है।
या जनाब मंजूर अली का मुंह लगा था, इसका मतलब यह तो नहीं कि वह भी इसे बर्दाश्त करे। नहीं, इसे हटाना होगा। जल्दी ही उसे नहीं हटाया गया तो गले की हड्डी बन जाएगा। सुबह सुबह ही राजमिस्त्री को हाजिर देख दयाल बाबू की बांछें खिल गई। पूछा, रमजान मियाल आए हैं आपको? हाँ हुजूर। बोले कि मकान में आपको कुछ जरूरी काम करवाना है। राजमिस्त्री बरामदे में ही फर्श पर बैठ गया था। लेकिन रमजान मियाँ कहाँ हैं? दयाल बाबू ने रमजान मियाँ को राजमिस्त्री के साथ न देखकर पूछा। पता नहीं हुजूर, राजमिस्त्री ने निर्विकार भाव से उत्तर दिया, वह तो हमें अली मंजिल पहुंचने को कहकर उल्टे पांव लौट गए थे। दयाल बाबू के दिमाग में धमाका सा हुआ। अली मंजिल, अब तक पत्नी भी वहां आ पहुंची थी। दयाल बाबू ने पत्नी को उत्सुकता से अपनी ओर देखता पाकर मन की बात बताई। इस मकान का नाम बदलवाना है, दयाल भवन कैसा रहेगा? अच्छा है, पत्नी मन ही मन पति का नाम दोहराते हुए मुस्कुराई। दयाल बाबू पत्नी के मनोभाव भांप कर आह्लाद से भर उठे। एक मीठी नजर पत्नी पर डाली, फिर पुलकित स्वर में राजमिस्त्री को समझाने लगे। सबसे पहले तो वहां छज्जे पर लिखा अली मंजिल तोड़कर दयाल भवन लिखना है, फिर यहाँ इस कमरे में बना मेहराब तोड़कर हटा देना है, और बरामदे में एक चबूतरा है उसे तोड़ना है, और मेरे बेडरूम में एक आलमारी है। पता नहीं क्यों अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी दयाल बाबू ने। भीतर ही भीतर जारी तोड़फोड़ से शब्द गड्डमट हो गए थे। शायद वह पत्नी से चाय बनाने की बोल राजमिस्त्री को साथ लेकर कहाँ कहाँ और क्या क्या करना है सब समझाने लगे। राजमिस्त्री हाँ में हाँ मिलाता, कभी कभी अपना सुझाव भी देता जा रहा था। शुरू में बच्चे भी शामिल हो गए। शिवेश ने राय जाहिर की, पापा दीवारों में बने ताखे बंद करा दीजिए। ब्रजेश के पास भी अपनी सलाह थी, पापा यह मकान पुराने डिजाइन का, मेरी समझ से इसे रिनोवेट करना ठीक रहेगा। होगा, धीरे धीरे सब होगा। दयाल बाबू बच्चों से सहमत होते हुए राजमिस्त्री से मुखातिब हो गए। समझ गए ना आप? हाँ हुजूर, दांत निपोड़ दिया राजमिस्त्री ने। फिर आज ही से हाथ लगा देते हैं? दयाल बाबू स्वयं भी जल्दी में थे, तुरंत बोल पड़े, हाँ हाँ जितनी जल्दी हो काम शुरू कर दीजिए। राजमिस्त्री चाय पीकर चला गया। दयाल बाबू भी ऑफिस जाने की तैयारी में जुट गए। बच्चों को राजमिस्त्री से काम कराने की जिम्मेदारी सौंप कर उन्हें स्कूल जाने से रोक दिया गया था। बच्चे जिम्मेदारी लेते हुए अनायासी संजीदा हो गए थे। शाम होते होते अली मंजिल का नामो निशान मिट गया। ऐन उसी जगह पर ताजे सीमेंट से दयाल भवन उभर आया। दयाल बाबू ने ऑफिस से लौटते हुए गली में ठहर कर भर निगाह दयाल भवन को निहारा, और फिर भीतर तक पसर गई प्रसन्नता को लिए दिए अंदर इस तरह प्रवेश हुए जैसे पहली बार अपने घर में घुस रहे हों। पत्नी किचन में थी, बेटी रानी पानी का गिलास लेकर आई, और आते ही उसने सूचना दी, पापा भैया लोग अभी सीमेंट का ऑर्डर देने गए हैं, मिस्त्री ने कहा है कल जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। दयाल बाबू ने गहरी सांस ली, जैसे सीने पर पड़ा कोई बोझ उतर गया हो। दिन भर की थकान पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। उन्होंने वहीं से चहकते हुए पत्नी को आवाज दी, अरे भाई किचन में क्या कर रही हो? दयाल बाबू की प्रसन्नता से पत्नी भी पुलक से भर उठी, पास आकर चूहल से बोली, किचन नहीं हुजूर, बावर्ची खाना। कसकर झटका लगा दयाल बाबू को, एकदम से बेचैन हो उठे। अनायासी आंखें बाहरी बरामदे की ओर घूम गई, ये रमजान मियाँ नहीं दिख रहे हैं? पत्नी के बजाय रानी ने तपाक से उत्तर दिया, पापा वह तो आज आए ही नहीं, सुबह से ही गायब है। पता नहीं क्यों असहज हो उठे दयाल बाबू, मन भारी हो आया। चाय पीते हुए रमजान मियाँ की अनुपस्थिति कहीं और ज्यादा खलने लगी। पत्नी उनके मन की बात समझ गई थी, शायद उन्हें वह पोह से उबार हमारे कहे बगैर टल गए। अरे कोई उनका जिंदगी भर का ठेका थोड़े लिए हुए हैं हम लोग। ठीक कहती हो तुम, बुझे मन से दयाल बाबू ने जैसे अपने आप को समझाया। मकान में मन मुताबिक रद्दो बदल कराते कराते पूरा एक सप्ताह लग गया। अब ड्राइंग रूम से मेहराब गायब हो चुकी थी। अंदर बरामदे में बना चबूतरा फर्श के लेबल पर आ गया था। ताखे भरे जा चुके थे, आलमारी के पल्ले तोड़कर वहां खूबसूरत शीशों के शटर लग गए थे। इस बीच और भी बहुत कुछ हुआ था। मेहराब के एक कोने में पड़ी रेहल, पवित्र पुस्तक पढ़ने के लिए बना लकड़ी का स्टैंड, पड़ी रेहल मिली थी जिसे दयाल बाबू ने स्टोर में रखवा दिया था। गुसल खाने के एक झरोखे में रखी तैमूम मिट्टी पड़ी दिखी, उसे उठाकर फेंक दिया गया। छत पर जाने के लिए आंगन में बनी सीढ़ियों के नीचे वाले दड़बे नुमा कमरे में टूटी हुई तस्बीह के दाने, चीकट हो गई काले रंग की मखमली टोपी, तामचीनी के प्लेट कटोरे
बंधना वगैरह बेतरती बजरे पड़े थे। थोड़ी देर के लिए तो दयाल बाबू कुछ समझ ही नहीं पाए कि वह इन चीजों का क्या करें। पत्नी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, होगा सब उसी रमजान मियाँ का, इसी खजाने के लिए बुढ़ऊ रात दिन पहरेदारी कर रहे थे, उठाकर फेंकवा दीजिए। व्यंग बुझी पत्नी की हंसी दयाल बाबू को बेद गई। उन्होंने प्रतिवाद करते हुए कहा, जो भी हो यह रमजान मियाँ की अमानत है, आखिर हम पर विश्वास करके ही तो यह सब यहाँ छोड़कर रखा है उन्होंने। ऐसा करते हैं, इन्हें स्टोर में रखवा देते हैं, रमजान मियाँ को लौटा देंगे। अब क्या लौटेंगे बुढ़ऊ, थोड़ा तमक कर पत्नी ने पति का विरोध किया, हफ्ते भर से तो पता नहीं है उनका। दयाल बाबू ने पत्नी की बात अनसुनी कर दी थी, सारा सामान उठाकर स्वयं स्टोर में रखाए। साफ सफाई पर कर दड़बे नुमा उस कमरे को पूजा घर बना दिया गया था। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां रख दी गई थी, शंकर पार्वती के कैलेंडर टांग दिए गए थे, आरती का दिया, पीतल की घंटी, हनुमान चालीसा सब करीने से सजा दिया गया था। अपने हाथ से धूप जलाकर उस कमरे को सुवासित किया था दयाल बाबू ने। अब वही मकान दयाल बाबू को अपना अपना सा लगने लगा था। इस अपनापे के सुख संतोष में उनके मन का संताप तिरोहित हो गया। वह आते जाते कभी ठहर कर तो कभी चोर नजर से मकान के माथे पर अंकित दयाल भवन को देख लेते। चमक उठे मकान पर दयाल भवन की लिखावट बहुत खूबसूरत लगती। वह मन ही मन दयाल भवन दोहराते और सोचते कि धीरे धीरे लोग इस मकान को दयाल भवन के नाम से जानने लगेंगे। ऑफिस से लौटते हुए दयाल बाबू को उस दिन मिश्रा जी अपने घर के बाहर बरामदे में बैठे मिल गए। दुआ सलाम के बाद दिखे मिश्रा जी कहीं बाहर गए थे क्या? मिश्रा जी मुस्कुराए, फिर रहस्य खोलने के से अंदाज में बोले, अरे दयाल बाबू अपना जॉब ही ऐसा है, टूर पर गया था, हफ्ता बाद आज ही लौटा हूँ। ओहो, तभी कहूं कि मोहल्ला में सन्नाटा क्यों है, दयाल बाबू ने टहोका लिया। आदतन तेज तर्रार मिश्रा जी ने गर्मजोशी से निमंत्रण दिया, आइए दयाल बाबू एक एक कप चाय हो जाए। दयाल बाबू को भी कोई जल्दी नहीं थी, वह भी मुस्कुराए और मिश्रा जी के निमंत्रण में अपना प्रस्ताव जोड़ दिया, एक शर्त है, आज चाय मेरे यहाँ पी जाएगी। घनश्याम मिश्रा जी खुलकर हंस पड़े, दयाल बाबू सस्ते में छूटना चाहते हैं, खैर चलिए आप ही के यहाँ चाय पीते हैं। दयाल बाबू आतिथ्य बोध से झुक से गए, पहली बार किसी पड़ोसी को अपने घर चाय पर बुलाना उन्हें अच्छा लग रहा था। आए बदलाव को दिखाने की ललक भी बलवती थी। मिश्रा जी प्रवेश द्वार पर पहुंचकर ठिठके, मकान को इस तरह गौर से देखने लगे जैसे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही न हो रहा हो। उघड़े प्लास्टरों और चितकबरी दीवारों का अता पता नहीं था, नए रंग रोगन में लकदक, अद्भुत उनके मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा, अरे दयाल बाबू आपने तो अली मंजिल का कायाकल्प ही कर दिया। मिश्रा जी के मुंह से अली मंजिल सुनकर दयाल बाबू के भीतर कुछ दरक सा गया। जबरन मुस्कुराते हुए प्रतिवाद किया, मिश्रा जी अब यह अली मंजिल नहीं, दयाल भवन है, दयाल भवन। हाँ 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 वो तो है। मिश्रा जी दयाल बाबू के मनोभाव की परवाह किए बगैर जारी रहे, आपने सचमुच इसके पुराने दिन लौटा दिए, क्या किसी जमाने में इस मकान की रौनक थी जनाब। दयाल बाबू के भीतर एक गहरी सुदासी पसर गई। इस मकान का अतीत उनके लाख चाहने के बावजूद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह अजीब कसमसाहट से भर गए, अपने आप पर कोफ्त हो आई। जी में आया मिश्रा जी से कहें, भगवान के लिए गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, लेकिन खुद को जल्द कर गए। मिश्रा जी के साथ चाय पीने का मजा किरकिरा हो गया था। हालांकि मिश्रा जी नमकीन बिस्कुट खाते हुए बड़ी आत्मीयता से बातें करते, चाय का आनंद लेते रहे, लेकिन दयाल बाबू कतई सामान्य नहीं हो पाए, अपनी ही हंसी उन्हें फीकी महसूस होती रही। नया मोहल्ला, नया मकान, नए लोग, अब धीरे धीरे दयाल बाबू के परिवार के लिए पुराने हो चले थे। पत्नी बच्चों का भी मन लग गया था। दयाल बाबू तो ज्यादातर ऑफिस में और ऑफिस के काम में ही व्यस्त रहते, इसलिए अड़ोसियों पड़ोसियों से मुलाकात गाहे बगाहे ही होती। जिस दिन फुर्सत के मूड में होते, खुद ही किसी पड़ोसी के घर चले जाते या फिर कोई ना कोई अपने आप ही उनके घर आ धमकता। बैठक जमती तो घंटों गपशप चलती, हंसी ठहाके गूंजते। इधर काफी दिनों बाद दयाल बाबू को सेकेंड सैटरडे की फुर्सत मिली थी। दोपहर में खाना वाना खाने के बाद वो ड्राइंग रूम में आकर बैठे ही थे कि श्रीवास्तव जी और खान साहब चले आए। दोनों को देखकर दयाल बाबू भी चहक उठे, जोरदार स्वागत करते हुए दोनों से हालचाल समाज और फिर पत्नी को चाय बनाने के लिए कहने अंदर के कमरे में चले गए। लौटे तो दयाल बाबू के हाथों में पानी से भरे दो गिलास थे। उन्हें पानी लेते देख श्रीवास्तव जी और खान साहब एक साथ बोल पड़े, अरे खाम खा तकलीफ कर रहे हैं आप।
नहीं भाई, इसमें तकलीफ की क्या बात है। आत्मीयता से मुस्कुराते हुए दयाल बाबू ने दोनों गिलास टेबल पर रखे ही थे कि कॉल बेल बजा और फिर एक जानी पहचानी सी आवाज आ टकराई। दयाल बाबू हैं क्या? यह तो रमजान मियां हैं। श्रीवास्तव जी ने बाहर से आ रही आवाज पहचान ली थी। लगता तो है खान साहब ने भी हामी भरी। दयाल बाबू भी रमजान मियां की आवाज पहचान गए। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इतने दिनों बाद रमजान मियां आज अचानक कहां से प्रकट हो गए। दयाल बाबू अनजाने आवेग के वशीभूत तेजी से बाहर आए। रमजान मियां को देखकर एक बारगी उत्तेजना से भर गए। रमजान मियां ने उन्हें देखते ही झट आदाब अर्ज किया और अपने साथ आए डाकिये की ओर इशारा करके कहा, हुजूर आपकी चिट्ठी आई है। डाक बाबू आपका नाम पूछ पूछ कर भटक रहे थे। मैंने इन्हें बताया कि आप अली मंजिल में रहते हैं, तब कहीं जाकर में बोले चले जा रहे थे। हुजूर डाक बाबू ने बताया कि पाकिस्तान से चिट्ठी आई है, तो मुझे लगा जरूर मंजूर अली साहब का खत होगा, इसीलिए साथ साथ चला आया हुजूर। दयाल बाबू कहीं इस बीच डाकिया नमस्ते करके जा चुका था। खोए खोए से दयाल बाबू ने लिफाफे पर अंग्रेजी में लिखा पता पढ़ा। नाम मोहल्ला शहर सब सही था, लेकिन लिफाफे पर कहीं भी अली मंजिल नहीं लिखा था। पता नहीं क्या तो चटक गया दयाल बाबू के भीतर। लिफाफा फाड़कर खोला, पत्र उर्दू में लिखा था। दयाल बाबू ने बेवसी से रमजान मियां को देखा। रमजान मियां की आंखों में जबरदस्त उत्सुकता तैरती नजर आई। दयाल बाबू के मन में आया, कैसा बंदा है यह, किसी को प्यार करने की इंतहा है। प्रत्यक्षता उन्होंने रमजान मियां को उलाहना दिया, बड़े मियां अचानक कहां खो गए थे आप? दयाल बाबू के प्रश्न का उत्तर अंदर से आया। ड्राइंग रूम में बैठे खान साहब वहीं से बोल रहे थे, अरे दयाल बाबू रमजान मियां की क्या पूछते हैं, पूरा मोहल्ला ही इनका घर है। जहां रुक गए वहां डेरा हो गया। ही रमजान मियां की तरल हंसी तैर गई। दयाल बाबू रमजान मियां को अंदर ड्राइंग रूम में बुलाते हुए बोले, खत उर्दू में लिखा है, आइए खान साहब से पढ़वाते हैं, अच्छे मौके पर यह भी हाजिर हैं। खान साहब ने दयाल बाबू को हैरानी से देखा, गोया उनके नाम उर्दू में खत आना कोई अजूबा हो। दयाल बाबू ने खत खान साहब की ओर बढ़ाया तो उन्होंने खत लपक कर ले लिया और सरसरी तौर से पूरे कागज पर नजर दौड़ा डाली। फिर उनकी आंखें खत के ऊपरी हिस्से पर जाकर अटक गई। जनाब मोहतरम दयाल बाबू आदाब अर्ज। खान साहब ने खत पढ़ना शुरू कर दिया था। खुदा के फजल से मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ और आप सबकी खैरियत की दुआ करता हूँ। दयाल बाबू का मन भी गया। उन्होंने देखा रमजान मियां खत पर एक टक आंखें गड़ाए हुए हैं। खान साहब खत पढ़ रहे थे, यहाँ पराए वतन पराए लोगों के बीच वहां की बहुत याद आती है। अपना घर मोहल्ला शहर और लोग हर वक्त आंखों में रक्स करते रहते हैं। आखिरी वक्त में खाना खराबी मेरी किस्मत में बदी थी, वरना अपना मुल्क अपनी देहरी क्यों छूटती, शायद खुदा को यही मंजूर था। सहसा एक सिसकी सी फूट पड़ी। खान साहब ही रुक गए। दयाल बाबू ने देखा रमजान मियां की आंखों से आंसू बह रहे हैं। किसी से कुछ कहते नहीं बना, एक सन्नाटा सा खिंच आया था। रमजान मियां ने अंगोछे से आंखें, खान साहब भी संजीदा हो गए थे। श्रीवास्तव जी तो लगातार चुप्पी साधे हुए थे। दयाल बाबू ने अगल बगल झांका, पत्नी को दरवाजे की ओर से खड़ा देख बोल पड़े, मंजूर अली साहब का खत है। खान साहब ने खत के मजमून पर आंखें टिका दी। दयाल बाबू ने उन्हें खत पढ़ने का इशारा किया। खान साहब उसी संजीदगी के साथ फिर खत पढ़ने लगे। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने अली मंजिल को आबाद कर दिया होगा, खूब गुलजार हो गया होगा। मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। जानते हैं जनाब, वह मेरा पुश्तैनी मकान है। मेरी अम्मा को भी उससे बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने उसकी सलामती के लिए बाहरी दरवाजे के अंदरूनी कोने में आयतल कुर्सी टांग रखी थी ताकि उस पर कोई बला नाजिल न हो। आज अरसे बाद पता नहीं क्यों मुझे अपनी अम्मा जान की याद हो आई, शायद बुढ़ापे का तकाजा हो। आपको खत लिखकर बहुत सुकून मिल रहा है। आप मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा, बस मैं तो यही दुआ करूंगा कि आप लोग आबाद रहें, खुदा तमाम बलाओं से महफूज रखे। आपका खैर ख्वाह मंजूर अली। खत खत्म हो गया था, खामोशी तिर आई थी, लेकिन दयाल बाबू के भीतर ही भीतर संवाद जारी था। कमरे का वातावरण निहायत गंभीर हो गया है।
कोई कुछ नहीं बोल रहा था, जैसे सबके भीतर मंजूर अली साहब की स्मृति घुमट रही हो। बेटी रानी चाय के प्याले रख गई थी, दयाल बाबू ने चुप्पी तोड़े बगैर एक प्याली चाय रमजान मियाँ की ओर बढ़ाई। रमजान मियाँ की आंखें डबडबाई हुई थी, वह चाय की प्याली लेकर चुपचाप उठे और बाहर बरामदे में जाकर बैठ दीवार के सहारे बैठ गए। चाय खत्म करके श्रीवास्तव जी और खान साहब भी रुखसत हो गए। ड्राइंग रूम में दयाल बाबू अकेले रह गए थे। मंजूर अली साहब का खत टेबल पर पड़ा हुआ था। खत का एक एक लफ्ज दयाल बाबू के दिमाग में उभरता जा रहा था। मंजूर अली साहब का चेहरा आंखों के सामने नाचने लगा, जैसे वह कह रहे हों मेरी अम्मा ने तंदूरी कोने आयतल कुर्सी टांग रखी थी ताकि बलाएं नाजिल न हों। दयाल बाबू सोफे से उठे और दबे पांव बाहरी दरवाजे तक आए। दरवाजे के खुले दोनों पल्लों को आहिस्ते से बंद करने के अंदाज में एक दूसरे के करीब किया कि चौकट में गड़ी कील के सहारे जुजदान में टंगी कोई चीज देख कर ठिठक गए। उन्हें ताजुब हुआ कि उनका ध्यान कभी इस ओर क्यों नहीं गया। उन्हें लगा यह जरूर आयतल कुर्सी है जिसे मंजूर अली साहब की अम्मा ने यहाँ टांगा होगा। जुजदान धूल गर्द से चीकट हो गया था। दरवाजे के दाहिने पल्ले पर जुजदान के बराबर रगड़ के चिन्ह उभर आए थे। दयाल बाबू को कुफ्त हुई कि साफ सफाई के दौरान किसी का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया। उन्होंने जुजदान को नोचने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि लगा बाहर बरामदे में बैठे रमजान मियां घूर रहे हैं। उन्होंने झट से पल्ले खोल डाले, सामने बरामदा खाली था। रमजान मियां वहां नहीं थे। चाय की खाली प्याली वहीं पड़ी थी। एक गहरा सन्नाटा भाएं भाएं कर रहा था। दयाल बाबू दरवाजे के बीचों बीच जड़ हो गए थे। धन्यवाद। कहानी समाप्त हुई। ये थी कहानी अली मंजिल। थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गया बीच बीच में, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि ये तकनीकी समस्या थी, मैं कुछ नहीं कह सकता। और मैं एक बार कमेंट सब मैं देख रहा हूँ, मैं आप सब लोगों को मैं शुक्रिया अदा कर दूं। आप लोगों ने, मुझे लग रहा है तकरीबन जो है, मैं तो छोटी कहानी पढ़ना चाहता था, लेकिन इसके एडमिन का आदेश था कि नहीं ठीक ठाक कहानी पढ़िए, कम से कम आधे घंटे तक चल जाएगा। तो चलिए, तो ये पढ़ दी गई जो भी है, और आप सब लोग जमे रहे। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं लगातार, मेरे बहुत स्नेही लोग हैं, बहुत मेरे मित्र लोग हैं। देश जी, बहुत शुक्रिया। बावर्ची खाना और रमजान मियाँ का आना दिल दुखा गया। अली मंजिल बदलते ही रमजान मियाँ। राजकिशोर राजन, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, पसंदीदा कहानी अच्छा लगा। प्रभात मिलिंद, बहुत अच्छा लगा आपको देख करके। रूपा सिंह जी, उमा झुंझुलाल लेखक आवाड़ी तेजी से जा रही है, कितना कुछ बदलना पड़ा। ओ निर्देश जी, मुझे लगा कि घर बदल ही ना दें। कविता, वाह, इन दिनों यही हो रहा है। सारा नीलाक्ष, कविता वर्मा, सब कुछ बहुत तेजी से बढ़ रहा है आप लोगों का। अच्छा, मैं चलो नीचे से पढ़ते चला हूँ। नीलिमा जी, अली मंजिल से दयाल भवन तक आई आप, बहुत बहुत शुक्रिया, अलार्म आपका काम कर गया। कविता जी नमस्कार। निर्देश निधि, बड़ी उलझन। सीमा जी, दयाल भवन, हाँ दयाल भवन हो गया, लेकिन दयाल भवन होने से क्या, स्मृति में तो वही रह गया। कविता जी, अली मंजिल नहीं दयाल भवन, हाँ लेकिन दयाल भवन कभी नहीं हुआ, वो अली मंजिल ही रह गया। मुकेश कुमार सिन्हा, अब यह अली मंजिल नहीं लेकिन यादें कैसे मिटेंगी। बहुत सही दोस्त, यही तो कहना चाहा है हमने। और नामवर जी ने भी इस कहानी का उल्लेख किया है काफी कुछ। वसुधा के एक अंक में अरुण प्रकाश ने जब उनका इंटरव्यू लिया था, उसमें इस कहानी को लेकर के सवाल पूछा था, तो नामवर जी ने इसे काफी बढ़िया से इस पर काफी डिटेल में बताया था। अतीत पीछा नहीं छोड़ रहा जी, गंगा जमनी तहजीब, हाँ रूपा ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। गंगा जमनी तहजीब की ऐसी तैसी तो हुई भी है, और जो अभी पूरा देखिए रूपक तो वही है जो आप देख रहे हैं, आज का जो सब कुछ दिख रहा है वही रूपक है वो। सौम्या सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अली मंजिल के रंग रूप का बदलाव भले ही रेनोवेशन था, पर कितना मार्मिक अतीत पीछा नहीं छोड़ता, बिल्कुल सही है। रमजान मियां का अनुपस्थित इतिहास, दरअसल जो है अतीत जो इतिहास जो होता है स्मृतियों में भी दर्ज होता है, सिर्फ जो है इमारतों में ही इतिहास नहीं होता, इतिहास जो है आपकी स्मृति का हिस्सा होता है। रमजान मियाँ दिखे ही नहीं, रमजान मियाँ का कैरेक्टर जो है बिल्कुल वो आता जाता है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही मतलब वो गहरा वो असर छोड़ता है, और बिल्कुल आसपास देखा हुआ कैरेक्टर है। कविता, रमजान मियाँ अचानक गायब हो गए, आप समझ सकती हैं इस पूरे रूपक में उनका गायब आना, फिर गायब होना, और फिर आना, फिर गायब होना, ये एक वो रमजान मियाँ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है।
रमजान मियाँ लौटे लौटे लेकिन फिर चले गए। रमजान मियाँ फिर चले गए कमलेश जी चाय पीने के बाद। वो जहाँ चले गए जुजदान के मतलब जिसमें आयतल कुर्सी टंगी थी उसे नोचने के लिए, जैसे ही उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा बंद किया दयाल बाबू ने, वो जो है उनको मौका मिला और वहां से चले गए। तो ये एक चीज का एक तहजीब का टूटना बिखरना, तहजीब से भी वो जुड़े थे तो कहीं ना कहीं ये प्रतीक बात है कि उनका चला जाना ही बेहतर था। और वो लड़ तो नहीं सकते थे, वो चले गए। और वो एक तरीके से रमजान मियाँ को इसलिए हमने कहा है कि जब वो मंजूर अली साहब के साथ तो बहुत लंबे समय से थे लेकिन वो यहाँ भी जुड़ना चाह रहे थे दयाल साहब के यहाँ भी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ बदलाव होने शुरू हुए वहीं से मन में जो दरार शुरू होने एक अलगाव शुरू हो गया था, वो अलगाव जुड़ने नहीं देता है। जी सीमा जी, रमजान मियाँ। उमा जी नमस्कार। नमस्कार, आप तो इस कहानी की मुरीद है मैं जानता हूँ, आपने इस कहानी को पढ़ा भी है अपने तई और आपकी आवाज में एक कहानी रिकॉर्ड भी है मुझे, जैसा मुझे याद आ रहा है। बहुत शुक्रिया उमा जी, आपका स्नेह मिलता रहता है। और मुझे थोड़ी दिक्कत यह हुई कि पहले कभी मैं मतलब कि बहुत दिन हो गया था इस कहानी को पढ़े हुए, इसलिए पढ़ते हुए अचानक मुझे कुछ शब्द ऐसे खटक रहे थे कि काश कि ये ना छपा होता। जिस जमाने में ये इस कहानी को छपे हुए तकरीबन 20 साल हो गए हैं, तो 20-21 साल पुरानी ये 20 साल पुरानी ये कहानी है, तो समझ सकते हैं कि ये किस दौर में लिखी हुई कहानी थी। प्रभात, बहुत बारीक सार्केज्म। अरे प्रभात भाई, ये तो है, कहना तो यही चाहता, अब आपने उसको ठीक सही तरीके से किया। रानी सुमिता, शुक्रिया, कमाल की कहानी। कविता, पता नहीं क्या तो अटक गया कलेजे के भीतर। हाँ ये तो सही कह रही है, वो कुछ ऐसी चीज है जो व्यक्त नहीं की जा सकती, इसलिए उसको आप कह ही सकते हैं इसी तरीके से, क्या तो अटक गया। दयाल जी, जी कविता वर्मा, आंखें भर आई, शुक्रिया शुक्रिया। अरे भाई आंखें भर आई तो जरा पोछ ओछ लीजिए, अभी मैं बैठा हुआ हूँ। मीनाक्षी जी, ये खाली इमोजी से काम नहीं चलेगा। रूपा, उफ शुक्रिया रूपा जी, ये उफ में बहुत कुछ है। मतलब कहानी पसंद आ ही गई, अच्छी बात है। चलो मतलब 20 साल बाद भी कहानी ने असर डाला है तो इसके लिए तो बहुत कुछ, जबकि आज पता नहीं क्या बात है मैं थोड़ा अटक गया। मुझे शुरू में कह दिया गया ना आवाज ठीक नहीं आ रही है, चेहरा नहीं दिख रहा है और पिक्चर ठीक नहीं आ रही है, तो मुझे फिर एक साइकोलॉजिकल दबाव होने लग गया कि कहीं तो। बहरहाल प्रज्ञा जी नमस्कार, आप आई दिख रही हैं, शुक्रिया शुक्रिया। आपने कहानी सुनी या नहीं मुझे नहीं पता लेकिन आपका आना अच्छा लगा, आपकी उपस्थिति से भी उत्साह बनता है। मुकेश जी, पहचान कभी नहीं बदलती। हाँ मुकेश भाई, पहचान कभी नहीं बदलती, आप लाख वो जो मिटा रहे, रबर से जो है संस्कृतियां नहीं मिटा करती, और वो मिटा देने से, इमारतें मिटा देने से स्मृतियां नहीं खत्म हुआ करती। अगर स्मृतियां खत्म होती तो श्रुतियों की हमारे यहाँ परंपरा नहीं होती, कथा वाचन भी जो है उसी परंपरा का एक हिस्सा है जो श्रुतियों से यहाँ तक होकर के आया है। कुमार विजय, शुक्रिया भाई, वो रुला दिया भैया मैं कमजोर दिल का निकला। हा हा हा, ओहो भाई। कमलेश जी नमस्कार, भला नाजिल ना हो। हाँ ये देखिए, वो पाकिस्तान चले गए हैं मंजूर अली साहब, लेकिन उनके खत में जो मर्म है वो है कि मैं अपना वतन अपने लोग में रक्स करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो हम लोगों के दिमाग में एक तरह का सियासी जुनून भरा जा रहा है, उसके बरक्स आप देखिए तो आम इंसान क्या सोचता है, किस तरीके से हमारे जो आपसी रिश्ते हैं बनते हैं, और कैसे एक 70 साल का बूढ़ा आदमी पाकिस्तान जा करके भी वो अपने मुल्क के लिए जो तड़प रहा है और मजबूरी में गया है क्योंकि यहाँ उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मलिका जी आज कितना खुश कुछ याद है। हाँ मलिका जी, आपको तो इसलिए याद आ रहा होगा क्योंकि आप खुद ही जो है एक पाकिस्तान से आई हुई आपकी फैमिली है यहाँ हिंदुस्तान में, तो आपको तो वो बन गया था, तो आप लोगों को इधर आना पड़ा था। जी पुरखों की हंसी जहां गूंजती हो पुकार होती है एक लगातार, बिल्कुल सही रूपा। पूनम पांडे, बहुत बहुत सुंदर कहानी, शुक्रिया पूनम, तुमको फुर्सत मिली आई, बहुत अच्छा लग रहा है। निर्देश जी, कैसे मिली प्रेरणा आपको इस कहानी का? हाँ ये बहुत दिलचस्प है, मेरे कथाकार मित्र हैं, सभी लोग जानते होंगे आप लोग जो फेसबुक पे भी हैं, संतोष दीक्षित हमारे कथाकार मित्र हैं, और एक दिन हृषिकेश संतोष दीक्षित और हम कुछ साथी उनके घर
दोपहर के भोजन पे गए थे हम लोग लंच पे, तो मैं किसी काम से एक दूसरे कमरे में गया थोड़ी देर के लिए उनके घर को घूम के। ऐसे ही हम लोग घर में जाते आते रहे थे, लेकिन उस दिन अचानक मेरे दिमाग में ये आया कि उनके पिताजी ने वह मकान एक मुस्लिम परिवार से खरीदा था, तो उस परिवार से उन्होंने खरीदा था। जाहिर है जिसने मकान खरीदा था वो अपने हिसाब से कुछ कुछ बदलता है, बस इतनी सी प्रेरणा थी। बाकी तो जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का पूरा मसला मेरे दिमाग में था, और इस तरीके से वो मुझे एक रूपक मिल गया ये मकान का। और फिर मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की, ताना बाना आपके सामने है कहानी का, एक प्रेरणा कह सकती हैं निर्देशी की वहीं से मिली थी। शुक्रिया उमा जी कह रही हैं एक जरूरी कहानी है ये। अनिल हातु, अनिल बहुत बहुत शुक्रिया मार्मिक कथा, आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। अनिल जब भी आप टिप्पणी करते हो मुझे तब थोड़ा सा अपने आप पे यकीन होता है। कविता जी इसीलिए पढ़ी जब के अर्पण ने कही कि नहीं सर ये कहानी पढ़िए, मैंने उनसे कहा था कि मैं एक छोटी कहानी पढ़ता हूँ, मेरी कहानी है जिस पर नामवर जी को भी काफी आनंद आया था उस कहानी को, मेरी कौतुक कथा एक कहानी है। हमने लगभग फाइनल कर ली थी कि कहानी वही पढ़ेंगे, लेकिन फिर ये हुआ कि वो बहुत छोटी हो जाएगी। ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, वाह वाह आई लो तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया, आई लो बधाई बात वागिलो स्वागत बा। प्रज्ञा रोहिणी जी बहुत मार्मिक कहानी शुक्रिया। सफदर भाई कैसन लागल कहानी, अद्भुत शुक्रिया शुक्रिया सफदर भाई शुक्रिया, आप आ रहे हैं बहुत अच्छा लगा। आपने पहले भी सुनी हुई है संभवतः यह कहानी, आपको याद हो शायद। वैसे शफी मैं शायदी और उर्दू के बहुत सारे दोस्तों ने इस कहानी को जब सुना था, जब हमने एक निशिस्त में इसका वो किया था पाठ किया था। नीलिमा जी बिल्कुल आई है, मैंने वो क्या। शिवदयाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, कहानी अच्छी लगी बहुत अच्छा लगा किया था। जकिया जी को जानते ही हो आप लोग, जकिया आपा उर्दू की एक बहुत बड़ी मशहूर लेखिका हैं, उन्होंने इस कहानी को बहुत ही मतलब सराहा और मुझे बुलाया था अपने घर इस कहानी को पढ़ने के बाद। तो मुझे तो वाकई बहुत अच्छी कहानी खुद को भी लगती रही है, लेकिन मुझे लगा कि 20 साल 22 साल पुरानी कहानी है, पता नहीं आज पढ़ूं तो कैसा लगेगा। लेकिन आप सब लोगों की जो सराहना मिल रही है, जो प्रतिक्रिया। जयप्रकाश कैसे हैं आप भाई, जयप्रकाश गुप्ता बहुत दिनों बाद आप नजर आए, कभी कभी आप मिला करिए भाई। सोमन क्या बात है, कैसे हो भाई, ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया रानी ममता कविता शुक्रिया। गीता पंडित जी नमस्कार, मेरी पसंद भी पढ़ी पसंद भी पढ़ी हुई थी कहानी जी, ये कहानी तो है मेरी, ये कहानी मैंने कहा 20 साल पुरानी, मेरे पहले दूसरे संग्रह में ये कहानी है, निशंस जो मेरा संग्रह है उसमें ये कहानी है। ऋतु जी नमस्कार, अमनदीप जी नमस्कार, और पूनम जी नमस्ते प्रणाम। बहुत पूनम जी कह रही है बहुत संवेदनशील कहानी, दिल को मंजिल दयाल बाबू की कठिन मना स्थिति का बहुत मार्मिक विवरण, शुक्रिया शुक्रिया पूनम जी। राकेश श्रीवास्तव बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति नमन। ये बताऊं मैं, राकेश श्रीवास्तव जी हैं ये आप लोगों ने देखा होगा लापता गंज के, ये एक्टर हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लल्लन जी करके वो जिनका नाम होता था अभिनय में, उस स्क्रीन नेम इनका लल्लन जी, ये राकेश श्रीवास्तव हैं, ये यहाँ उपस्थित हैं हमारे इस पे कार्यक्रम में, और उन्होंने कहानी सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। गिरीश जी नमस्कार शुक्रिया, ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बल्कि कॉलेज के दिनों के मेरे मित्र, लगभग 15 साल पहले हंस में पढ़ी थी। हाँ हाँ गिरीश, ये 15 साल 18 साल पहले की कहानी है, ये 2001 में ये संग्रह में मेरे कहानी आई है, 2019 में हंस में छपी थी ये कहानी। सुनील हरबोला भी मेरे जो है कॉलेज के दिनों के साथी यहाँ है, डिस्टरबेंस के बावजूद कहानी ने पकड़ लिया, बहुत अच्छा शुक्रिया, बहुत आनंद आया, एक अच्छी रचना के लिए साधुवाद, यह आपकी लाइन से काफी हटकर है, पुनः बधाई धन्यवाद शुक्रिया। आशा जी आशा प्रभा 25 बरस पुरानी कहानी, हाँ सफदर मैंने कहा ना 20 साल से तो ऊपर छपे हुए हो गया, लिखी पहले थी हंस में पढ़ी थी, हाँ पूनम जी ये हंस में आई थी 90 के बाद के दशक की। अरे भाई प्रभात मिलिंद शुक्रिया, महान कहानियों में शामिल, ये तो अब आप लोग तय करें कि कैसी है, मैंने तो लिख दी।
हाँ कविता, ये देश का रूपक ही है एक घर के माध्यम से। मैंने वही कहा कि मैंने एक रूपक ही लिया है, ये कहा इस कहानी के माध्यम से। मुझे लगता है लगभग सबकी बात आ गई है। और ये क्या आपको लगता है कि, अच्छा मैं बस थोड़े से प्रश्न और रह गए या लोगों को शुक्रिया कहना रह गया, मैं कहता हूँ उसके बाद समाप्त करूंगा। तकरीबन 1 घंटा हो गया मुझे लग रहा है, हम लोग 7 बजे हम लोगों ने शुरू कर दिया था। तो ये कविता जी, अभिनव बहुत शुक्रिया, बहुत ही गंभीर मनोविज्ञान कहानी भाई। पता नहीं पढ़ते वक्त तो मैं बहुत मुखातिब नहीं हुआ, इसलिए पता नहीं वो आरोह अवरोह आवाज का कैसा रहा, नहीं कह सकता। लेकिन अपनी तरह से, चूंकि वो लिखी हुई कहानी है तो पढ़ देना मेरे लिए था, तो मैंने पढ़ दिया। बाकी उसका कैसा असर हुआ ये आप लोग जाने, मैंने तो अपने उसको निपटा दिया जो मुझे आदेश था। नीलम शर्मा, सही कहा दादा, कहानी का मनोवैज्ञानिक पक्ष बहुत जबरदस्त, शुक्रिया। मुकेश कुमार सिन्हा, कहानी की प्रेरणा कैसे, अभी बताया तो मुकेश भाई, अभी मैंने बतलाया कि कहानी मेरे कथाकार मित्र हैं, उनके घर को घर एक दिन हम लोग लंच में गए थे और वहीं पर ये कहानी दिमाग में फ्लैश की। लेकिन उससे पहले बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला उभर के वो हो चुका था, जो कुछ एक्शन लेना लोगों को हुआ। कहानी ये हो गई। और ऋचा जी शुक्रिया, निर्देशी ये पहली बार सुनी कहानी, पत्र ने मर्म भेद जी, तो वही क्लाइमेक्स था। सौम्या सुमन, ऐसी कहानी है कि अंत तक आते आते लगा कि काश कुछ भी न बदलता, टूटा फूटा या पुरानापन ही भी कितना सौंदर्य लिए होता यह दिखता है। राकेश जी, आज आपसे कहानी सुनकर सुनकर मन भर गया, मेरा सौभाग्य। शुक्रिया राकेश जी। प्रज्ञा रोड़ी, पूरी कहानी सुनी है उदय जी। अरे प्रज्ञा जी, मैं यूं ही कह रहा था, आप तो काफी गंभीर लेखिका है, पाठिका है, और आपका स्नेह तो मुझे लगातार मिलता रहा है, तो मैं तो बस यूं ही वो एक कह रहा था। अरुण सितान, समय समय पर विभिन्न तथ्यों पर आधारित लिखते रहे हैं। हाँ भाई, कोशिश करता रहा हूँ। अरुण सितांश नमस्कार, हमें कजरी भी अच्छी लगती है, शुक्रिया अरुण। हाँ निर्देश निधि, कहीं ना कहीं देखा सुना जरूर होगा। हाँ निर्देश जी, बेहतरीन ताना बाना बनाना बना निर्देश, ये भी बहुत बड़ी नई कहानी है। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया निर्देश जी, नहीं बोर नहीं किया कहानी ने, तो समझिए कितनी भी बड़ी है ठीक है, चल जाएगी। असली चीज होता है ये कहानी श्रोताओं को जब बोर करने लग जाती है तो छोटी हो या बड़ी मुश्किल होती है। जी ऋचा जी, अगर प्रासंगिक है तो बहुत ही अच्छी बात है, और है तो सही, मैंने भी इसे यही सोच के पढ़ा था। जी ऋचा जी, पढ़ी हुई कहानी हाँ मेरे संग्रह में है। राकेश श्रीवास्तव कह रहे हैं कंटेम्प्रेरी है आज भी, शुक्रिया राकेश जी। मल्लिका जी, यह कहानी कभी पुरानी नहीं हो सकती, शुक्रिया मल्लिका जी। नमस्कार ऋतु जी, कहानी पुरानी नहीं हो सकती है, कहने भर को है। आपका नया उपन्यास कब आ रहा है? नया उपन्यास इस वर्ष के अंत तक देखिए शायद आ जाए, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ मोटे तौर पे, अब बाकी तो प्रकाशक के ऊपर है कब तक लाता है, मेरी लोकार्पण हो। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो मैं समझता हूँ 1 घंटा हो गया है और आप सब लोगों ने बहुत स्नेह दिया, बहुत जुड़े रहे और काफी धैर्य के साथ कहानी भी सुनी आप लोगों ने और वक्त भी दिया। तो अर्पण, आप हैं कि चले गए? आप हैं या चले गए? अगर चले गए तो भी आप एक बार संकेत देते कि हाँ मैं अब इसे समाप्त कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं समाप्त कर रहा हूं क्या? हेलो अर्पण, जन सुलभ पुस्तकालय, अर्पण मैं इसे फिनिश कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों का, नमस्कार। इस कहानी को सुनने के लिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।